Ma'am, this is Anu Rajput from Commerce Board. We are back with the topic of lesson 2, that is partnership. Aaj hum is topic mein padhenge features of partnership, merits and demerits of partnership, types of partners and types of partnership. Lekin video shuru karne se pehle agar aap is channel pe naye hain to use subscribe kijiye aur agar hamara video acha lage समझते हैं टॉपिक पार्टनरशिप। हेलो एवरीवन, आज हम थर्ड टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पार्टनरशिप। पहले दो फॉर्म्स जो हमने पढ़े वो थे सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू भारती बिजनेस। अब थर्ड टाइप का ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर डिफाइन किया गया है एज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मींस ये पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो भी एग्री करते हैं म्यूचुअली इस पार्टनर्स बनने के लिए, वो अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस एग्री रेशियो पे शेयर करते हैं और सारे बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं, और या सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसको करेंगे, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पहला फीचर है फॉर्मेशन। तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट वेयर टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्निंग द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड द मैनर ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस आर स्पेसिफाइड। इसमें ये बताया गया है कि अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये पार्टनरशिप फॉर्म बनती है और एक लीगल एग्रीमेंट होता है अमंग द डिफरेंट पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म, और इस एग्रीमेंट में पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशो में शेयर करेंगे और किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे चलाएंगे। सेकेंड फीचर इसमें जो दिया गया है वो है लायबिलिटी। तो इसमें हम ये जानेंगे कि जो मेंबर्स हैं उनकी क्या लायबिलिटी होती है एक पार्टनरशिप फर्म के लिए। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, पर्सनल एसेट्स में बी यूज फॉर रिपेइंग डेट्स इन केस ऑफ बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट। इट मीन्स कि पार्टनरशिप फर्म में जितने भी मेंबर्स एग्री करते हैं ये पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और उनके पर्सनल एसेट्स को भी हमको यूज करना पड़ता है। अगर किसी का डेट रीपे करना है, और उस डेट को रीपे करने के लिए हमारे जो फर्म के एसेट्स है वो इनसफिशियंट है, तब हम इन पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को भी सेल करके उस डेट को हमें क्लियर करना पड़ता है। और जो ये पार्टनर्स हैं ये जॉइंटली या इंडिविजुअली लायबल हैं सारे डेट्स को रीपे करने के। थर्ड इसका जो फीचर है वो है रिस्क बेयरिंग। इसमें रिस्क बेयरिंग का क्या मतलब हो गया, जो बिजनेस में रिस्क आते हैं उसको सारे पार्टनर्स इंडिविजुअली या कलेक्टिवली बेयर करते हैं एज अ टीम, और जो रिवॉर्ड आता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट वो ये शेयर करते हैं जो कि रेशियो इन्होंने एग्रीमेंट में एग्री की होती है, उस रेशियो के अकॉर्डिंगली ये जो रिवॉर्ड आता है रिस्क का वो एज अ रिवॉर्ड एज प्रॉफिट वो ये एग्रीड रेशियो पे डिफरेंट पार्टनर्स शेयर करते हैं। और ये लॉसेस जो होते हैं बिजनेस में उनको भी इक्वल सेम रेशियो में शेयर करते हैं। अगर फर्म कोई भी लॉस इनकर करती है या फर्म को लॉस होता है प्रॉफिट नहीं होता है, वो भी ये सेम रेशियो में
शेयर करते हैं जो भी पार्टनर्स एग्री करते हैं इस पार्टनरशिप फॉर्म के मेंबर बनने के लिए। फोर्थ इसका जो फीचर है वो है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। द पार्टनर्स शेयर अमंग्स देमसेल्व्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ द डे टू डे एक्टिविटीज। जो भी डिसीजन लिया जाता है वो म्यूचुअल कंसेंट से लिया जाता है, सारे पार्टनर से कंसल्ट करके। कोई भी बिजनेस के लिए कोई भी अगर हमने बिजनेस डिसीजन लेना है वो सारे पार्टनर्स को की कंसेंट से कंसल्ट करके ही म्यूचुअल कंसेंट से लिया जाता है। और ये जो पार्टनरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो भी पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं ये जो मेंबर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं इस बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। और जो भी ये पार्टनर्स हैं जॉइंटली अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं और अपने बिजनेस को आगे चलाते हैं। इसका नेक्स्ट फीचर है कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो आगे किस तरीके से चलेगी और चलेगी या नहीं चलेगी। इसमें यह दिया गया है कि इसमें लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। दैट मींस अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या पार्टनर रिटायर कर जाए या इनसॉल्वेंट हो जाए पार्टनर, या पार्टनर का मेंटल बैलेंस जो है वो खराब हो जाए, वो इनसेन हो जाए, तो कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है, वहां पर ये डिसॉल्व हो जाती है। और अगर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर्स बच जाते हैं इस फर्म में, अगर वो म्यूचुअली एग्री करें इस पार्टनरशिप फर्म को आगे चलाने के लिए, तब ये पार्टनरशिप फर्म जो है आगे कंटिन्यू कर सकती है। नेक्स्ट इसका फीचर है मेंबरशिप। तो पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की जरूरत होती है और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर बैंकिंग बिजनेस है उसमें 10 होते हैं और कोई भी नॉन बैंकिंग बिजनेस है उसमें 20 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम। मिनिमम 2 मेंबर्स से पार्टनरशिप फर्म बनाई जा सकती है और अगर बैंकिंग बिजनेस है तो 10 मेंबर्स जो है वो मैक्सिमम होने चाहिए, और नॉन बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 20 मेंबर्स होने चाहिए जो कि इस फॉर्म के मेंबर्स बन सकते हैं। अगला जो इसका फीचर है वो है म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब ये है कि एक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इस फॉर्म में, और कोई भी अगर एक पार्टनर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है या उसने कोई भी डिसीजन लिया है तो सारे पार्टनर्स उसके लिए लायबल हैं, उस डिसीजन के लिए वो लायबल हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि जो भी डिसीजन इस पार्टनरशिप फॉर्म में लिया गया है वो सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं और ये मानते हैं कि वो डिसीजन जो लिया हुआ है वो लिया गया ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप फर्म के लिए बनाने से क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं जो कि एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को या बिजनेसमैन को हेल्प करती हैं आगे अपने बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए। तो सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो है एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोज। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टनरशिप फर्म इजिली फॉर्म कर सकते हैं अमंग्स द मेंबर्स एग्रीमेंट बना के, और सिर्फ एक एग्रीमेंट बनाना होता है और जिस पे सारे पार्टनर्स एग्री करें ये पार्टनरशिप फर्म इजिली हम ला सकते हैं एग्जिस्टेंस में। और इस फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन एक कंपलसरी लीगल एक्टिविटी नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपनी फर्म को रजिस्टर करना तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द फर्म,
अगर आप रजिस्टर करना नहीं भी चाहते हैं तब भी ये इसको कोई कंपल्शन नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर होना जरूरी है। और क्लोजर मतलब कि बंद करने के लिए ये बहुत आसान है, सारे जो पार्टनर्स हैं आपस में म्यूचुअल कंसेंट से ये पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका फीचर है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब है क्योंकि सारे पार्टनर्स मिलके कोई भी बिजनेस फर्म के लिए डिसीजन लेते हैं और एक दूसरे के साथ कंसल्ट करके डिसीजन लेते हैं और म्यूचुअल एग्रीमेंट से कोई भी बिजनेस डिसीजन लिया जाता है, इसलिए ये बैलेंस डिसीजन होता है और सब सोच समझ के ये डिसीजन को अपनी फर्म के लिए लेते हैं जो कि उस फर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। नेक्स्ट इसके एडवांटेज ये है कि इट हैज मोर फंड्स। पार्टनरशिप फंड्स में क्योंकि ज्यादा लोग पार्टनर्स बना सकते हैं, हम मैक्सिमम 20 बना सकते हैं जो कि नॉन बैंकिंग बिजनेसेस होते हैं, और बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, जो हमारे फंड्स हैं, जो कि कई बाकी के फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड होते हैं, इसमें हम ज्यादा फंड्स को रेज कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होते हैं। इसका नेक्स्ट एडवांटेज है शेयरिंग ऑफ रिस्क। क्योंकि इधर पार्टनर्स होते हैं और पूरा जो रिस्क है या जो बर्डन है वो एक पार्टनर के ऊपर नहीं होता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द डिफरेंट पार्टनर्स, इसलिए जो स्ट्रेस है या बर्डन है वो एक इंडिविजुअल पार्टनर के ऊपर नहीं ना रह के डिफरेंट पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इससे पार्टनरशिप फर्म या जो पार्टनरशिप के फर्म में पार्टनर्स हैं उनके ऊपर बर्डन नहीं रहता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है सीक्रेसी। क्योंकि बिजनेस अफेयर्स हैं और जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं बिटवीन द पार्टनर्स होते हैं तो एक सीक्रेसी मेंटेन होती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है पार्टनरशिप फर्म में कि इनको अपने बिजनेस अफेयर्स को पब्लिश करने की जरूरत नहीं होती है। अपने जो अकाउंट्स हैं इनके फर्म्स के, इनको कोई भी रिपोर्ट गवर्नमेंट को नहीं देने पड़ती या गवर्नमेंट के आगे पब्लिश नहीं करने पड़ती। तो जो सीक्रेट्स हैं इनके वो मेंटेन रहते हैं अमंगस्ट द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट टॉपिक अब हम आज पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब जैसे हमने पहले पढ़ा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर हमने पढ़ा मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, अब हम करेंगे डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं एक पार्टनरशिप फर्म के लिए। सबसे पहला इसमें दिया गया है लिमिटेड रिसोर्सेस। क्योंकि लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ पार्टनर्स हम इस पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए चाहिए होते हैं इसके लिए, इसलिए जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होती है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। सेकेंड डिसएडवांटेज इसमें ये है कि इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है, और इंडिविजुअली भी उनको ये पार्टनरशिप लायबिलिटी उठाने पड़ती है और जॉइंटली भी उठाने पड़ती है, और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पार्टनरशिप फर्म में कि जब किसी का अगर हमने कोई डेट रीपे करना है और हमारी पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स और फाइनेंस को मिला के वो डेट रीपे नहीं होता है तो हर एक पार्टनर का पर्सनल एसेट्स को सेल करके या उससे पर्सनल प्रॉपर्टी में से उसके पैसे लेके ये डेट उनको जॉइंटली रीपे करना पड़ता है, और ये
कोई भी पार्टनर इसके लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि एग्रीमेंट जब बनता है पार्टनरशिप फर्म में उसमें ये सबसे पहले ये माना जाता है, ये बताया जाता है कि जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। थर्ड इसका डिसएडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पार्टनर्स, क्योंकि ये ग्रुप का डिसीजन होता है और बहुत सारे लोग मिलके ये फॉर्म को बनाते हैं, तो जो अथॉरिटी ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप है बिटवीन द पार्टनर्स वो शेयर करते हैं, सारे एक पार्टनर बर्डन नहीं लेता है, तो जो भी डिसीजन लेने हैं वो म्यूचुअल डिसीजन होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट पार्टनर्स के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं और एक दूसरे के साथ वो मैच नहीं करते हैं, इसीलिए कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए, अपनी बिजनेस एक्टिविटी के लिए कोई अगर डिसीजन लेना होता है तो हमें सब पार्टनर से पूछ के लेना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी पार्टनर का दूसरे मेंबर पार्टनर के साथ वो एग्री नहीं करता है और ये एक कई बार एक मौका मिल जाता है कॉन्फ्लिक्ट का अमंगस्ट द पार्टनर। इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन नॉट बी कंटिन्यूड आफ्टर द डेथ और रिटायरमेंट और इनसॉल्वेंसी या इनसेनिटी ऑफ एनी पार्टनर। मतलब कि अगर किसी पार्टनर की इस पार्टनरशिप फर्म में डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट ले लेता है या हमारा कोई पार्टनर बैंकक्रप्ट हो जाता है या हमारा फर्म बैंकक्रप्ट हो जाता है या किसी पार्टनर की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती है तो ये पार्टनरशिप फर्म डिसकंटिन्यू हो जाती है। और अगर बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो म्यूचुअली एग्री करें इस पार्टनरशिप फर्म को, सारे जो मेंबर्स रिमेनिंग मेंबर्स हैं अगर वो म्यूचुअली एग्री करें इस पार्टनरशिप फॉर्म को आगे कंटिन्यू करने के लिए, तभी ये फॉर्म को आगे हम कंटिन्यू कर सकते। इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसमें ये है कि देयर इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म्स के जो अकाउंट्स हैं ये पब्लिश नहीं होते हैं, रिपोर्ट्स नहीं बाहर जाती हैं इस फॉर्म से, इसलिए पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है पार्टनरशिप फॉर्म्स के ऊपर कई बार बहुत कम होता है। और अगर हम पब्लिक इशू खोलते हैं अपने पार्टनरशिप फॉर्म के लिए तो लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, क्योंकि उनको हमारी फर्म की रिपोर्ट्स के बारे में नहीं पता होता, हमारे फर्म के ग्रोथ के बारे में नहीं पता है, अकाउंट्स के बारे में नहीं पता है, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज बन जाती है पार्टनरशिप फर्म की। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है पार्टनरशिप फर्म का वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, जैसे एक्टिव पार्टनर्स, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर्स बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट और माइनर पार्टनर, और ये सारे टाइप्स के पार्टनर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो टाइप्स ऑफ पार्टनर में सबसे पहला पार्टनर जो माना जाता है वो है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो कि कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट के डिसीजन में वो हेल्प करता है, पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करता है और उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है अपने क्रेडिटर्स और फर्म के लिए। सेकेंड टाइप ऑफ पार्टनर जो है वो है स्लीपिंग और डोरमेंट। इसका मतलब है कि ये इस टाइप के जो पार्टनर्स होते हैं वो इस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर तो होते हैं लेकिन वो मैनेजमेंट डिसीजन में एक्टिव पार्ट नहीं लेते हैं,
वो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं इस पार्टनरशिप फर्म में और प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करते हैं, और उनकी जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है, लेकिन वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेते हैं, एक्टिव पार्ट नहीं लेते हैं, इसलिए इनको स्लीपिंग पार्टनर माना जाता है। थर्ड टाइप का पार्टनर्स जो कि पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं वो है सीक्रेट पार्टनर। ये एक ऐसे टाइप के पार्टनर्स होते हैं जो कि बिजनेस एक्टिविटीज में सीक्रेटली हिस्सा पार्टिसिपेट करते हैं, और इनका जो आइडेंटिटी है वो एसोसिएशन के साथ इनका जो आइडेंटिटी है वो जनरल पब्लिक के लिए सीक्रेट होती है, और इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होती है। इनका इसका मतलब ये हो गया, सीक्रेट पार्टनर्स फर्म को पता है कि ये हमारा पार्टनर है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं जनरल पब्लिक या दूसरे जो कंपनीज हमारे साथ डील कर रही हैं उनको ये नहीं पता होता है कि ये इस कंपनी का पार्टनर है और ये इस कंपनी में बराबर का हिस्सेदार है, और इसकी जो अनलिमिटेड जो लाइबिलिटी होती है इस सीक्रेट पार्टनर की भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर इज नॉमिनल पार्टनर। ये इस तरीके के पार्टनर्स होते हैं जो कि अपना नाम और अपनी गुडविल फर्म को देते हैं, अपनी रेपुटेशन अपने नाम उस फर्म को देते हैं। ये पार्टनर्स ना ही बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और ना ही कोई बिजनेस का प्रॉफिट ये शेयर करते हैं, लेकिन इनकी भी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ये सिर्फ अपना नाम और रुतबा उस कंपनी को देते हैं और उसमें अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन जो लाइबिलिटी होती है इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। और फिफ्थ टाइप का पार्टनर जो कि पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं वो है पार्टनर्स बाय एस्टॉपर। ये इस तरीके के पार्टनर्स होते हैं कि वो लोगों को दिखाने के लिए ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि वो इस कंपनी के पार्टनर्स हैं और एक्चुअली वो इस कंपनी के पार्टनर नहीं होते हैं, और हिज लाइबिलिटीज अनलिमिटेड टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी who has entered into dealing with the firm on the basis of his pretensions। इसका मतलब है ये सिर्फ दिखाने लोगों को दिखाने के लिए, ये लोग ऐसे समझते हैं कि ये इस कंपनी के पार्टनर्स हैं, लेकिन एक्चुअली वो उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स नहीं होते हैं, लेकिन इनकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है क्योंकि लोग इनको देख के या इनका नाम सुन के हमारे पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करते हैं या उनके साथ काम करते हैं, इसलिए इनकी जो पार्टनर्स व एस्टॉपल होते हैं उनकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, क्योंकि इनके नाम के कारण या इनका ऐसा इंप्रेशन होता है कि ये हमारे पार्टनर्स हैं इसलिए लोग हमारे साथ डील करते हैं, तो इनकी जो पार्टनर्स लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर जो होते हैं उनको बोलते हैं हम पार्टनर बाय होल्डिंग। ही इज द वन हु इज फॉल्सली डिक्लेयर्ड पार्टनर ऑफ द फर्म वेयर एज एक्चुअली ही इज नॉट, एंड इवन आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट ही डज नॉट डिनाई इट। हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड टुवर्ड द पार्टी who deal with the firm on the basis of the declaration। this means कि ये जो पार्टनर है ये गलती से हमारे फर्म का इसको पार्टनर डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये हमारे फर्म का पार्टनर नहीं होता है, और ये समझने के बाद भी अगर ये पार्टनर उस चीज को लोगों के सामने डिक्लेयर नहीं करता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूं, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है, क्योंकि कंपनी ने फॉल्सली उसको डिक्लेयर किया होता है कि ये इस कंपनी का पार्टनर है। आई होप कि आपको ये सब
समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आती है या कोई क्वेरी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँ। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ा है, अब इस पार्टनरशिप टाइप ऑफ फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स भी होते हैं और ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक ड्यूरेशन और एक लायबिलिटी के। दो फैक्टर्स है, एक ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली और एक लायबिलिटी के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप फॉर्म्स जो हैं वो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होती हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब मैंने आपको पहले बताया कि दो फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को कैटेगराइज करते हैं, वो फैक्टर्स क्या हैं, ड्यूरेशन एंड लायबिलिटी। अब जो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, that is partnership of will and partnership, particular partnership. Or on the basis of liability, also there are two types of partnership which include limited liability partnership and with unlimited liability partnership. और ये सारी types की partnership क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, discuss करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो फर्स्ट टाइप की जो पार्टनरशिप होती है इस बेसिस पे वो है पार्टनरशिप एट विल। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स। इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पार्टनर्स वांट एंड इट्स इज टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव्स अ नोटिस ऑफ विथड्रॉवल फ्रॉम द पार्टनरशिप टू द फर्म। सिंपली इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये है जब तक पार्टनर्स की अपनी मर्जी है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ये फर्म पार्टनरशिप फर्म की तरह चलती रहती है और ये कंटिन्यू होती रहती है जब तक पार्टनर्स मानते हैं कि हम इस पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या हम इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा रहना चाहते हैं। और ये पार्टनरशिप फर्म टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है जब भी कोई पार्टनर कोई नोटिस देता है मैनेजमेंट को कि वो इस पार्टनरशिप फर्म से निकलना चाहता है या विथड्रॉ करना चाहता है या खत्म करना चाहता है, ये पार्टनरशिप फर्म वहीं पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टाइप की पार्टनरशिप है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। This type of partnership is formed for a specified June period to accomplish a particular project. इसका meaning यही है, ये special type की partnership होती है जो कि कोई एक particular project के time पे बनाई जाती है और जब वो particular project खत्म हो जाता है, जब वो project हमारा complete हो जाता है तो ये partnership हम भी डिसकंटिन्यू हो जाती है, ये पार्टनरशिप हम भी खत्म हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। पहला टाइप है इसमें जर्नल पार्टनरशिप। जर्नल पार्टनरशिप मीन्स कि द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट। द पार्टनर एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म and their acts are binding on each other as well as on the firm. Registration of firm is optional. The existence of firm is affected by debt, lunacy, insolvency and retirement of partner. Journal partnership का मतलब यही है कि ये जो partnership है ये इसमें जो जो भी partners agree करते हैं उनकी जो liability होती है unlimited होती है और जॉइंट लाइबिलिटी होती है और सारे पार्टनर्स मैनेजमेंट में राइट है उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का और हर एक पार्टनर एक दूसरे के एक्ट में हिस्सेदार है, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है
और फर्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो इस टाइप्स के जो फर्म्स होती हैं पार्टनरशिप फर्म, ये ऑप्शनल है, आपने रजिस्टर करवाना है इसको या नहीं करवाना है। और पार्टनरशिप फर्म के जो एग्जिस्टेंस है वो इफेक्ट हो जाती है बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या इनसैनिटी या लुनेसी ऑफ द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर मर जाता है या वो इनसेन डिक्लेयर हो जाता है या फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है या पार्टनर रिटायर करना चाहता है, तो ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो खत्म हो जाती है। जो नेक्स्ट टाइप की इस कैटेगरी में पार्टनरशिप होती है वो है लिमिटेड पार्टनरशिप। दैट मींस कि जो पार्टनरशिप इस टाइप की पार्टनरशिप में एक पार्टनर का जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, वेयर एज जो बाकी पार्टनर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। और इस टाइप की पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है। अब हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। इसको हम एग्रीमेंट भी बोलते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। और इसमें आप जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में मेंबर्स या पार्टनर्स बनते हैं उनको अपना जो इंफॉर्मेशन है इस पार्टनरशिप डीड में जो कंटेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कंटेंट्स होने इस पार्टनरशिप फॉर्म में जरूरी है। इट इज एन रिटन एग्रीमेंट ऑन अ स्टैम्प पेपर विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। हर एक पार्टनर का इसके ऊपर सिग्नेचर होता है और ये एक म्यूचुअल कंसेंट से रिटन एग्रीमेंट बनाया जाता है जो कि स्टैम्प पेपर पे बनाया जाता है, जिसमें किस तरीके से हम अपने फॉर्म को चलाएंगे, हमारे फॉर्म की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो इसमें लिखी जाती है और हर एक पार्टनर इसको साइन करता है। और इसके जो पार्टनरशिप डीड के जो कंटेंट्स हैं, क्या क्या चीजें इस पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए वो इस तरीके से, सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म, फिर लोकेशन और एड्रेस ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, टर्म्स रिलेटिंग टू सैलरीज, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स, टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग और मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। तो ये सारे जो कंटेंट्स हैं ये सारे पार्टनरशिप फॉर्म डीड में होना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्या नाम रखा है इस पार्टनरशिप फॉर्म का, क्या उसका एड्रेस होगा, कितने टाइम के लिए हम पार्टनरशिप फॉर्म या बिजनेस को चलाना चाहते हैं, हर एक पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा इस पार्टनरशिप फॉर्म का अमंगस्ट द पार्टनर, क्या सैलरीज होंगी या किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स होगा, क्या क्या ड्यूटीज या ऑब्लिगेशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पार्टनर्स की, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं कि किस तरीके से हम न्यू पार्टनर्स को या जो पार्टनर्स एडमिट करेंगे उनके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, रिटायरमेंट की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, एक्सपल्शन हो जाए अगर पार्टनर को हमने निकालना हो, ये सारी चीजें, हमारा अकाउंट्स कैसा रहेगा, किस तरीके से ऑडिटिंग करवाएंगे, और अगर म्यूचुअल डिस्प्यूट हो जाता है तो किस तरीके से हम डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में हमको बताने पड़ती है। और इसको हम रिटन एग्रीमेंट भी बोलते हैं जो कि हर एक पार्टनर साइन करता है और इसके अकॉर्डिंगली ही पार्टनरशिप में आगे बिजनेस एक्टिविटीज को वो मैनेज। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम आज डिस्कस करेंगे वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म।
आपको मैंने पहले भी बताया है कि स्टार्टिंग में यही बताया था कि पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करवाना कोई कंपलसरी नहीं है, बट इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू रजिस्टर अ फॉर्म। और क्यों? क्योंकि आगे जाके जब हम बिजनेस करते हैं और आगे जाके अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है अपने पार्टनर्स के बीच में या थर्ड पार्टनर्स के बीच में, और हमारी फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। अब मैं आपको बताती हूँ जो कि फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म जो नॉन रजिस्टर्ड होती है, उनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि अनरजिस्टर्ड फर्म जो है, इट कैन नॉट स्यू अगेंस्ट द फर्म ऑफ और द पार्टनर, कि किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट हम लीगल एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि हमारी फर्म जो है रजिस्टर्ड नहीं है। सेकेंड, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि हम किसी थर्ड पार्टी को भी सीव नहीं कर सकते हैं या उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारी जो फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं है, और जो फर्म है वो भी किसी पार्टनर के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकती है कोर्ट में क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी लीगल एक्शन हम नहीं ले सकते। दैट्स ऑल विद द वीडियो। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द वीडियो, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के मुझे भेज सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वी विल बी कमिंग वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।